इसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ शासन ने 2 मार्च 2020 को किया है। फ्रेंड्स, CGPSC और CGVAPA में इससे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। तो आइए हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को देखते हैं। तो सबसे पहले राजकीय आय से स्टार्ट करते हैं। राजकीय आय, राजकीय आय का आकलन सकल घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय आदि की सहायता से अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का आकलन होता है। मतलब कि राजकीय आय की गणना सकल घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को मिलाकर राजकीय आय की गणना की जाती है। मतलब इन तीनों की गणना को मिलाकर इन तीनों क्षेत्र में हुए परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन के दर को राजकीय आय कहते हैं। तो आइए देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्तीय वर्ष में राज्य में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, किसकी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। GSDP की गणना निम्न क्षेत्रों द्वारा होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, फसल आदि शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि उप क्षेत्र को शामिल किया गया है। तृतीयक क्षेत्र में परिवर्तन, बैंक, बीमा, संचार, व्यापार, रियल इस्टेट, लोक प्रशासन, मनोरंजन आदि क्षेत्रों को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें लोक प्रशासन अर्थात सेवा सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है। वृद्धि दर स्थिर भाव पर, स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार, स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार। उत्पादक क्षेत्र कृषि में हमको 2019-20 के डाटा को देखना है। स्थिर भाव में 2019-20 में 3.31% की वृद्धि हुई है और प्रचलित भाव में 12.10 का। फ्रेंड्स, आप लोग इस डाटा को याद रखिएगा, इसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्थिर भाव में GSDP में कृषि के क्षेत्र में कितने प्रतिशत 2019-20 में वृद्धि हुई है, और चार ऑप्शन दे देगा, इसमें यह ऑप्शन भी शामिल रहेगा। वैसे ही प्रचलित भाव में भी पूछ सकता है। स्थिर भाव में 4.94 है और प्रचलित भाव में 5.51 है। सेवा क्षेत्र में 6.62% है स्थिर भाव में और प्रचलित भाव में 9.35% है। और GSDP बाजार मूल्य पर देखते हैं तो स्थिर भाव पे 5.32% है और प्रचलित भाव में 8.26%। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिखा है। वर्ष 2019-20 में GSDP में 5.32% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो इसको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 2019-20 में GSDP में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित या दर्ज की गई है, तो 5.32%। अगला है प्रति व्यक्ति आय। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर, याद रखिए प्रचलित भाव पर, 98,281 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 92,413 आंकलित था। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में 6.35% की वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, ये परसेंट को याद रखिए कि प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 6.35%। और कितना प्रति व्यक्ति आय अनुमानित किया गया है 2019-20 में, तो 98,281। जल संसाधन, तो कुल सिंचित सृजित क्षमता मार्च 2019 की स्थिति में सिंचित क्षेत्रफल 20.99 लाख हेक्टेयर, कुल कृषि भूमि का 37%। तो हमें पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक दिख रहा है, इसको मैंने अर्जुना पब्लिकेशन के आर्थिक सर्वेक्षण से तैयार किया है। तो आप लोग इसका फ्रेम अगर जानना चाहते हैं तो अर्जुना पब्लिकेशंस का मार्केट से एक करेंट अफेयर्स की बुक खरीद लीजिए, सेकंड एडिशन, अर्जुना का
सेकंड एडिशन, ये आपको बुक डिपो में आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। कुल सिंचित क्षेत्र जून 2019 की स्थिति में, सिंचित क्षेत्र 18.38 लाख हेक्टेयर, कुल भूमि का 33%। तो फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आया भी है कि कुल सिंचित क्षेत्र 2020 में कितने प्रतिशत है, कुल भूमि का कितने प्रतिशत है, तो 33%। सृजित सिंचाई क्षमता, राज्य गठन के समय सृजित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, और वर्तमान में कुल सिंचाई क्षमता 20.99 लाख हेक्टेयर है। राज्य गठन के उपरांत 7.71% की वृद्धि हुई है। वृहत परियोजना उस परियोजना को कहते हैं जहां 10 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता विकसित हो। तो वृहत परियोजना 8 स्थापित है और 4 निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजना 20,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच 37 स्थापित है और निर्माणाधीन 1 है। लघु परियोजना 2000 हेक्टेयर तक, तो 2395 लघु परियोजना स्थापित हो चुकी है छत्तीसगढ़ राज्य में और 369 निर्माणाधीन है। एनीकट और स्टाफ डैम 47 निर्माणाधीन है। नलकूप 30 स्थापित है और 1 निर्माणाधीन है। तो यहाँ से जो स्थापित है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। भूगर्भिक संरचना 2019-20, भूजल की दृष्टि से विकासखंड, सुरक्षित श्रेणी 125 विकासखंड है जहाँ पे भूजल की दृष्टि से संपन्न है, 125 विकासखंड संपन्न है जहाँ जल की समस्या नहीं है। आंशिक श्रेणी में है 18 विकासखंड और संकटपूर्ण में है 2 विकासखंड और अत्यधिक दोहन वाले 1 ही विकासखंड शामिल है। जल की उपलब्धता, केंद्रीय भूजल रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भिक जल की मात्रा 11,630 मिली घन मीटर है और वर्तमान स्थिति के अनुसार भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र का आर्थिक सर्वेक्षण, तो GHDP में फसल क्षेत्र का योगदान, तो 2019-20 में अग्रिम अनुमान है में भागीदारी है 144,656, वृद्धि 2.05 का हुआ है और GHDP में इसका योगदान 10.19 था। उल्लेखनीय है कि 2018-19 में 11.07% GHDP में योगदान था कृषि क्षेत्र का और 2019-20 में 10.19% कृषि क्षेत्र का योगदान है। कृषि भूमि उपयोग स्थिति 2019-20, यह 30 जून 2019 का डाटा है, 19 तक का डाटा है, यह 30 जून 2019 तक का डाटा है। क्षेत्र, कुल या सकल बोया गया क्षेत्र, तो क्षेत्रफल है 56,24,322, तो सर्वाधिक कुल या सकल बोया गया क्षेत्र राजनांदगांव शामिल है और न्यूनतम में नारायणपुर शामिल है। निरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्र में 46,81,090 है जिसमें राजनांदगांव सर्वाधिक में स्थान में है और न्यूनतम स्थान में नारायणपुर है। दो फसली क्षेत्र, जहाँ पे दो फसल लिया जाता है, वैसी भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक में राजनांदगांव और न्यूनतम में बीजापुर, अर्थात राजनांदगांव ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दो फसली सर्वाधिक बोया जाता है और न्यूनतम बीजापुर में। चालू पड़ती 264,175 जिसमें सर्वाधिक में बलरामपुर है और न्यूनतम में धमतरी है। पुरानी पड़ती में 257,028 है, सर्वाधिक में रायगढ़ है और न्यूनतम में धमतरी है। बागवानी उद्यानिकी फसल 2018-19, कुल रकबा 64,451, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, 864,451 हेक्टेयर बागवानी का कुल रकबा है और कुल उत्पादन है 1,22,46,042 मीट्रिक टन कुल उत्पादन है बागवानी क्षेत्र का 2018-19 के अनुसार। कुल उत्पादकता है 11.83 मीट्रिक टन औसत उत्पादन। सर्वाधिक क्षेत्र में रोपित उद्यानिकी फसल में पहला स्थान सब्जी का है
दूसरा फल का है, तीसरा मसाला का। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और आता भी है कि सर्वाधिक क्षेत्र में रोपित उद्यानिकी फसल में प्रथम स्थान किसकी है, तो सब्जी की भी सब्जी का स्थान है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से फसल कितने क्षेत्रफल में और कितना उत्पादन किया गया है। तो सब्जी का उत्पादन 25,67,076 हेक्टेयर में किया गया है और कुल उत्पादन सब्जी का 25,42,241 मीट्रिक टन किया गया है और उत्पादन मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 9.90% है। वैसे ही फल का, मसाला का, औषधि का आदि का है, तो कुल कुल क्षेत्रफल में 8,64,451 हेक्टेयर में है और उत्पादन 1,22,46,042 में है मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है। अतः उत्पादन का प्रतिशत देखें हम लोग तो 11.83% बागवानी का GHDP में योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत 2019-20 में है, तो इसकी भागीदारी 67,109 है 2019-20 अग्रिम अनुमान के अनुसार, जिसमें 0.79% की वृद्धि देखी जा सकती है। और GHDP में वन क्षेत्र का योगदान 2.91% है। तो यहाँ प्रतिशत को डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में कि वन क्षेत्र का GHDP में 2019-20 अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 2.91%। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन आवरण का क्षेत्रफल 55,611 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण का प्रतिशत 41.13% है और विगत वर्ष की तुलना में 66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण में। और वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का स्थान तीसरा स्थान। तो ये CGPSC 2019 में प्रश्न आया था कि वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत देश में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा स्थान। राज्य वन विभाग का डाटा है, प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.2% है विद्यमान है। देश के कुल वन क्षेत्रफल का 12.12% छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का स्थान चौथा है, सभी राज्यों में चौथा स्थान है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात को, आवरण की दृष्टि से तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का भारत देश में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है भारत देश में छत्तीसगढ़ का। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला नारायणपुर है और न्यूनतम क्षेत्र वन वाला जिला दुर्ग व बेमेतरा है, जहाँ 0% वन आवरण है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन वृक्ष आवरण 0.232 हेक्टेयर है। आरक्षित वन 43.13% है कुल वन प्रतिशत का। 25,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है आरक्षित वन में सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला दंतेवाड़ा है तथा न्यूनतम आरक्षित वन वाला जिला कोरबा है। संरक्षित वन का प्रतिशत 40.22% है कुल वन प्रतिशत का, जो 24,036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। सर्वाधिक संरक्षित वन वाला जिला सरगुजा है तथा न्यूनतम जिला जांजगीर चांपा है। अवर्गीकृत वन 16.65% है कुल वन क्षेत्रफल का, जो 9,954 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सर्वाधिक अवर्गीकृत वन दंतेवाड़ा में है तथा न्यूनतम धमतरी में है। तो आरक्षित वन में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य आते हैं और संरक्षित वन में शासन के देख रेख में स्थानीय निवासियों को लकड़ी काटने, आखेट संग्रहण आदि का अधिकार प्राप्त है तथा अवर्गीकृत वन में कोई भी व्यक्ति या इंसान वनों का दोहन कर सकता है तथा अपने आवश्यकता अनुसार आखेट संग्रहण तथा प्राकृतिक संसाधन आदि का दोहन करके लकड़ी प्राप्त कर सकता है। खनिज क्षेत्र, GHDP में खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान 2019-20
अग्रिम अनुमान के अनुसार भागीदारी है 26,95,767। इसमें 5.45% की वृद्धि देखी गई है और जीएसडीपी में खनन उत्खनन जीएसडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 11.72% है। खनिज उत्पादन मूल्य में योगदान 2018 अगस्त 2018 की स्थिति में 9.3% है। खनिज राजस्व 2018-19 के अनुसार मुख्य खनिज से प्राप्त राजस्व आय है 49,025.95 करोड़, जो जिसका प्रतिशत 94% है। गौड़ खनिज से 300.88 करोड़, जिसका प्रतिशत में 6% योगदान है। अन्य प्राप्तियां 883.42 करोड़ है, जो 100 जिसका प्रतिशत में योगदान 100% है। अर्थात कुल राजस्व जो प्राप्त हुआ है वो 61,010.25 करोड़ हुआ है, जो 100% है। तो इस डाटा को याद रखिएगा कि खनिज से 2018-19 के अनुसार कितने राजस्व प्राप्त हुआ है, तो 61,010.25 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। खनिज उत्पादन भंडारण 2020 में योगदान या फिर नया डाटा योगदान या मूल्य, तो खनिज कोयला का भंडारण 17.91% है छत्तीसगढ़ में, जिसका उत्पादन 2020 के अनुसार 22.33% है, प्रतिशत योगदान है। लौह अयस्क का 19.59% भंडारण है छत्तीसगढ़ में, जिसका 2020 में उत्पादन 16.22% है। चूना पत्थर का भंडारण 4.84% है और उत्पादन 2020 में 11.19% है। बॉक्साइट का 4.49%, उत्पादन 6.26%। टीन अयस्क का भंडारण 35.83% है छत्तीसगढ़ में, तथा टीन अयस्क एकमात्र ऐसा अयस्क है जिसका 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अखिल भारतीय खनिज मूल्य में अयस्कों का योगदान देखते हैं, तो लौह अयस्क का 20.93% है अखिल भारतीय खनिज मूल्य में योगदान। चूना पत्थर का 10.86% है, बॉक्साइट का 8.94% है और टीन अयस्क का 100% है। ऊर्जा क्षेत्र जीएसडीपी में विद्युत गैस एवं जलापूर्ति का योगदान, तो 2019-20 अग्रिम अनुमान के अनुसार 20,87,992 है। वृद्धि इसमें 3.01% की हुई है तथा जीएसडीपी में 9.08% का हिस्सा है। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 2019-20, तो ताप विद्युत का 3,080 मेगावाट है, जल विद्युत का 138.7, अन्य सह उत्पादन का 6, कुल योग इसका 3,224.70 है। तो उत्पादन की ये निम्न डाटाएँ हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसका उत्पादन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 2019-20 में कुल कितनी मेगावाट है, तो 3,224.70 मेगावाट। उपलब्धि तो स्टेट से 2019-20 के अनुसार 74.05%, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान 2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान है। ग्राम विद्युतीकरण स्थिति 2019-20 सितंबर 2019 का डाटा है। कुल ग्राम यहाँ विद्युतीकरण हो चुका है, तो 19,567 ग्राम में विद्युतीकरण हो चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से 18,250 ग्राम में किया गया है, तथा मतलब जीरो है। नया डाटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसे गांव नहीं है जहां पे मूलभूत सुविधा बिजली नहीं पहुंची है। विद्युतीकरण प्रतिशत 100% है डाटा के अनुसार। औद्योगिक क्षेत्र जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2019-20 अग्रिम अनुमान के अनुसार जीएसडीपी में 15.34% हिस्सा है औद्योगिक क्षेत्र का।
जो जिसमें वृद्धि 5.04% देखी गई है और भागीदारी है 35,27,342। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है तो बिरकोनी, नैनपुर, गिरौगंज, हरिन छपरा, टेकनार, कापन, खमरिया, लखनपुरी, परसगढ़ी और सियारपाली, महुआपाली, रायगढ़ आदि स्थानों में स्थापित मतलब IIDC केंद्र स्थापित किया जा चुका है तथा परसगढ़ी, धुरवा गांव, बस्तर, अभनपुर, रायपुर, सुकमा, सुकमा जिला, जी जाम गांव, धमतरी आदि जगहों में IIDC केंद्र प्रस्तावित है। फ्रेंड्स, ये अधोसंरचना विकास केंद्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर है। राज्य शासन की प्रमुख नीतियाँ, नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024, इसको CGPSC 2019 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ शासन की नवीन औद्योगिक नीति कहाँ से कहाँ तक है। तो 2019 से 2024 तक ग्रामोद्योग नीति 2016 से 2021 तक है। कृषि खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 से 19, नवीन सौर ऊर्जा नीति 2017 से 2027, लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018 से 2023। और लघु औद्योगिक क्षेत्र निर्माण के लिए प्रस्तावित है जो निम्न है, महुआपाली, सियारपाली, रायगढ़ में, खमरिया, मुंगेली में, सिलपहरी, बिलासपुर में, कुलचा और जगदलपुर में, खैरा, बेमेतरा में, परसगढ़ी, कोरिया में, बाराद्वार, जांजगीर चांपा में। आइए देखते हैं आकांक्षी जिला। जनगणना ग्राफ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल आकांक्षी जिलों की संख्या 10 है। CGPSC 2019 में प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले आकांक्षी जिला में शामिल है, तो उसका सही आंसर था 10। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 21.47% है 2011 के डाटा अनुसार। छत्तीसगढ़ की साक्षरता में किशोर साक्षरता 32.76% है और युवा जनसंख्या 19.53 है तथा छत्तीसगढ़ की साक्षरता में युवा साक्षरता 28.37% है। लिंगानुपात में 991, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है जिसमें कोंडागांव प्रथम स्थान में है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का एनालाइज करने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बजट 2020 का आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि वहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम